सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आइए, बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरे चैनल पे ड्राइविंग से रिलेटेड वीडियो मिलती हैं, और आज की वीडियो में सिखाने वाला हूँ मैं सिटिंग एडजस्ट करना। सिटिंग सही नहीं हो पाती तो गाड़ी ड्राइव करना, कार ड्राइव करना बहुत मुश्किल पड़ता है। चैनल पे नए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा, जिससे न्यू वीडियो का अपडेशन आसानी से आपको मिल सके। आज सिखाने वाला हूँ मैं सिटिंग कैसे एडजस्ट की जाती है। कार में दो प्रकार से सिटिंग एडजस्ट की जाती है, कैसे करना ये सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, स्टार्ट करें। ये मेरी कार वैगन आर, ये न्यू वैगन आर है। इसमें सिटिंग थोड़ा सा अलग तरीके से है, मतलब सिंपल, बहुत सी नई गाड़ियों में रहता है, अलग तरीके का रहता है। इसमें है ये न्यू वैगन आर VXI मॉडल है। इसका इंटीरियर ऐसा है, सिटिंग यहाँ से एक लीवर होता है, एक ये लीवर होता है और एक ये लीवर होता है। ये दो लीवर होते हैं, दो लीवर को कैसे एडजस्ट करना हो, कैसे बैठना है। ये लीवर तो होता है आपका ये स्लीप मोड में या स्टेट मोड में रखने का, जैसे अपन देखो यहाँ पे खींचेंगे ना, ये आगे आ जाएगी, ये आगे आ जाती है और ये आगे आ जाती है, पीछे चली जाती है। देखो, देखना अभी, ये खींचा मैंने ऊपर तो ये पीछे गया, ये और ऐसे ऊपर खींचूंगा मैं तो ये ऊपर खींचना पड़ेगा इसको ऐसे, तो इसको ऊपर खींचेंगे ना और इसको नीचे अंदर से खींचना पड़ेगा। ये आ गई पूरी, इसको इस तरीके से अपन को एडजस्ट करना होता है। ये खींचा मैंने ऊपर, ये कैसे बैठना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, हाइट के एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग अपनी हाइट कितनी है और आपकी हाइट कितनी है ये डिपेंड करता है। इसके बाद ये होता है नीचे का लीवर, जो कार को कितना आगे करना है अपन को, ये देखो खींचा। बट एक तरीका होता है ये खींचने का, एक इसको पकड़ने पड़ते हैं राइट वाले हाथ से और लेफ्ट वाला हाथ यहाँ पर रहता है, तब ये गाड़ी आगे खींचेगी। अगर उसको पकड़ के रखोगे अपने आप को खसकाओगे तो नहीं होता है। बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, उड़ जाते हैं फिर खसकाते हैं, भाई ऑटोमेटिक नहीं आती है। इसको क्या करना है, यहाँ से खींचना है ऐसे और ये आगे खींच दिया और एक हाथ यहाँ पकड़ना होता है। और कैसे बैठना है मैं बता रहा हूँ आपको, ये किया अपना कंफर्ट, ये क्लच ब्रेक पैर में परफेक्ट आना चाहिए ऐसे, क्लच फुल दबना चाहिए, थोड़ा सा ये जो पैर होता है घुटना थोड़ा सा रोटेट होना चाहिए, थोड़ा सा मुड़ा होना चाहिए। क्या करते लोग बाग ऐसे बैठ जाते हैं, पूरी तरह से ऐसे स्ट्रेट कर लेते, स्ट्रेट करने में फिर उनको चढ़ के बहुत ताकत लगानी पड़ती है, तो थोड़ा सा आगे करके और इस तरीके से बैठ सकते हैं। थोड़ा सा ये पैर मुड़ा होना चाहिए ताकि ताकत ज़्यादा समझ में नहीं आना चाहिए, ऐसे एक्सीलेटर में भी पैर, स्प्रिंग में पैर, ये परफेक्ट तरीके से होना चाहिए। और क्या करते हैं, सामने का क्लियर दिखना चाहिए अपन को। क्या होता है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि मतलब बहुत पीछे कर लेते हैं फिर ऐसे चढ़ के ऊपर देखते हैं ऐसे बार बार आगे होके, भाई बिल्कुल स्लीप मोड पर अच्छे से, मतलब स्टेट मोड पर बैठे रहो, थोड़ा स्लीप मोड की सीट रखते हैं और स्टेट मोड पर बैठे रहो आराम से और धीरे धीरे बिल्कुल आराम से इसे देख सकते हो आराम से, के लिए क्लच ब्रेक एक्सीलेटर और स्टीयरिंग घुमाने में दिक्कत नहीं हो। कुछ इस तरीके से सीट को एडजस्ट किया जाता है। सो गाइस, समझ में आया आपको सीट एडजस्ट करना? जब तक सीट एडजस्ट नहीं करोगे ना, गाड़ी कार कंफर्ट नहीं होती चलाने में। गाड़ी कंफर्ट के अकॉर्डिंग चलाओ कि हाँ मेरी सीटिंग सही है, मेरे पैर जो है क्लच ब्रेक एक्सीलेटर में सही जा रहे हैं, सामने का विजिबिलिटी क्लियर है, सही से मेरे को देखने को मिल रहा है, मिरर्स वगैरह सही से देखने को मिल रहा है, ये सारी चीज़ें इस तरीके से सेट किया जाता है। तो गाइस, कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।